Hey, what's up guys, Manit Kohli here and in this video बात करेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स के ऑप्शंस के बारे में जो कि 5000 से अंडर रेंज करते हैं। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पांच ऑप्शंस बताऊंगा। तो अगर आपको या किसी को भी स्पीकर खरीदना है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और सपोर्ट करते रहें। तो यार इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले जिस स्पीकर की हम बात करने वाले हैं वो है सोनी SRS-XBT12। तो यार इस स्पीकर की अगर हम सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो यार ये कभी कभार 5000 तक भी टच कर जाता है और डिस्काउंटेड प्राइस में 4000 तक भी जाता है। अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो यार ये 4500 में ही रहता है, जनरली 4 to 5000 के बीच में रेंज करता रहेगा। तो आप स्पीकर को परचेज कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स की कुछ बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 वॉट का ऑडियो आउटपुट इस स्पीकर में, साथ में आपको मिलेगी HD साउंड विद एक्स्ट्रा बेस। तो इस स्पीकर का साइज जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, पोर्टेबल स्पीकर है, बहुत ईजली, मतलब इसे मैं कहूँगा कि नॉट पॉकेट फ्रेंडली बट हाँ यार जहाँ पे आप बॉटल रखते हो बैग के वहाँ पे भी ये आ जाएगा। बहुत ही छोटा स्पीकर है और काफ़ी बढ़िया है साउंड के हिसाब से, सोनी की साउंड अच्छी रहती है जनरली। साथ में जो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वो है वन टच NFC। तो अगर आपको गाने शेयर या प्ले करने हैं तो सिर्फ वन टच NFC से वो प्ले हो जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा वाईफाई, 12 महीने की वारंटी आपको सोनी की तरफ से मिल जाएगी एंड आपको इसके साथ इन सबके साथ मिलेगी एक 1400 mAh की बहुत ही बढ़िया बैटरी। तो यार अगर आपको रेगुलर, अगर मैं आपको बताऊँ कि 100 वॉल्यूम पे कितनी देर तक ये स्पीकर चलेगा, तो यार ये कुछ 5 से 6 घंटे लगातार चल सकता है। और अगर आप 70% साउंड पे प्ले कर रहे हैं तो 10 घंटे आराम से निकाल देगा। काफ़ी बढ़िया स्पीकर है और जो भी 1400 mAh की बैटरी भी है, और साथ में अगर आपका प्राइस 4500 या 4 to 5000 के बीच में, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। तो यार इसी के साथ हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट स्पीकर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बोटस्टोन 1400। तो यार अगर हम स्पीकर की प्राइसिंग की बात करें तो यार ये जाता है 4999 तक। तो यार जिनका भी बजट 5000 है वो ये स्पीकर परचेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आऊँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही, मतलब ऑलमोस्ट 90% प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, बस एक मेटल ग्रिल फ्रंट पे मिल जाएगी। अब जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है यार, बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, लेकिन इस स्पीकर का प्लास्टिक मैंने देखा है, लाइव देखा है, पकड़ के देखा है स्पीकर, तो यार इसका प्लास्टिक काफ़ी बढ़िया मटेरियल का बना हुआ है। तो आप ये स्पीकर परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसकी साउंड पे आए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट जो कि काफ़ी बढ़िया है, और 10 वॉट की इन द सेंस कि 30 वॉट में क्या इंक्लूड होता है, तो यार 10 वॉट के दो स्पीकर्स और साथ में दो बेस के आपको 5-5 वॉट्स के मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगी 2500 mAh की मैसिव बिग बैटरी जो कि आपको प्रोवाइड करती है 7 to 7.5 hours का रेगुलर म्यूजिक प्लेबैक एट 100 वॉल्यूम। अब मैं 100 वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, अगर आपको 16 to 17 hours अगर आपको इसकी ऑफिशियल वीडियो में दिखाया जा रहा है तो वो 100 वॉल्यूम नहीं है, वो 70 या 60 वॉल्यूम पे है। तो इस स्पीकर के लिए यार मेनली जो चीज़ें थी वो बस इतना ही था। साथ में आपको मिल जाएगा इसमें ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट, ये लास्ट पॉइंट था इस स्पीकर का। तो यही सब मेन फीचर्स हैं जो स्पीकर के हैं। और अगर मैं एंड के अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो यार स्पीकर काफ़ी बढ़िया है, साथ में वॉइस भी मेरे को इसकी काफ़ी बढ़िया लगती है और साइज़ भी अच्छा खासा है इस स्पीकर का। तो यार इस स्पीकर के लिए बोटस्टोन 1400 के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट स्पीकर की तरफ मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट स्पीकर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इन्फिनिटी फ्यूज 700। तो यार अगर हम इसकी प्राइसिंग पे जाएं तो यार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 4999, सेम प्राइसिंग 5000 के अंडर ही हम रहेंगे। तो यार ऑलमोस्ट 5000 की प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यार इस स्पीकर की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20 वॉट का पोर्टेबल स्पीकर, साथ में 5.0 का ब्लूटूथ सपोर्ट, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से ब्लूटूथ से। सेकेंडली यहाँ पे IPX7 वाटर प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा स्पीकर। तो यार ये अगर आप बीच पे हैं या फिर शावर लेते वक्त यूज़ कर सकते हैं, गाने सुनते वक्त स्प्लैश से तो बहुत ईजिली प्रोटेक्ट रहता है, और साथ में वाटर में भी 1 meter तक ये प्रोटेक्टेड है। अब ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन 1 meter तक ये स्पीकर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर देगा वाटर में भी। तो यार अगर हम और इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन डिस्कस करें तो यार इसकी जो साउंड है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी HD साउंड विद एक्स्ट्रा बास, तो काफ़ी बढ़िया साउंड आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगी 2600 mAh की बहुत ही मैसिव बैटरी, जिसका जो म्यूज़िक 100 वॉल्यूम पे म्यूज़िक प्लेबैक आपको देखने को मिलेगा 7 to 8 hours का 100 वॉल्यूम पे। और अगर आप 70 या 60 वॉल्यूम पे प्लेबैक करते हैं तो यार ये आराम से चला जाता है आपका 13 to 14 hours के लिए। तो काफ़ी बढ़िया स्पीकर है,
अब इसमें यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि आप बोट खरीदें या इन्फिनिटी का फ्यू 700 खरीदें। तो यार आप चॉइस कर सकते हैं थोड़ी और वीडियोस देख के, लेकिन इसमें अगर मैं पर्सनली प्रेफर करता तो यार मैं वैसे बोट की तरफ थोड़ा सा जाता, क्योंकि एक ब्रांडिंग अच्छी रहती है बोट की थोड़ी सी। तो यार इसी के साथ फ्यूज़ इन्फिनिटी फ्यूज 700 के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट स्पीकर पे मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट स्पीकर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है यू ई वंडर बूम। तो यार ये अमेजोन पे बहुत ही बढ़िया स्पीकर आपको मिल जाएगा 4500 की रेंज पे, डिस्काउंटेड प्राइस इसका 4200 तक चला जाता है डिस्काउंट होके स्पीकर। साथ में इसकी यार अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो थोड़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ के साथ डस्टप्रूफ भी देखने को मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइंस हैं इसमें हमारे पास, कलर देखने को मिल जाएंगे। साथ में यार आपको मिलेगा 6 आवर्स का रेगुलर म्यूजिक प्लेबैक 100 वॉल्यूम पे, और भी बढ़िया साउंड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको साउंड कम लगेगी। यार ये भी स्पीकर अगर मैं सोनी के स्पीकर से कंपेयर करूँ तो दोनों की वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। बस सोनी का जो यहाँ पे है कि आपको ब्रांड मतलब सोनी देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही पोर्टेबल स्पीकर हैं, स्मॉल स्पीकर हैं, आपको कोई स्पीकर कैरी करने की जरूरत नहीं है, ट्रिप्स पे इस स्पीकर से काफ़ी बढ़िया काम हो सकता है। तो यार यू ई वंडर बूम के लिए बस इतना ही, तो इसी के साथ नेक्स्ट स्पीकर पे मूव करते हैं। तो यार नेक्स्ट स्पीकर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिशन है मेरे फेवरेट स्पीकर का, जो कि है JBL Flip 3 अंडर 5000 में, जो मेरा फेवरेट स्पीकर है उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है ये स्पीकर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो यार वो है LG PK3। तो यार इसकी जो प्राइसिंग है वो जाती है 4900 से लेके 5000, या फिर अगर डिस्काउंट हो भी जाए तो 4700 तक ही जाती है, उससे नीचे नहीं जाती। तो मेनली ये रिवॉल्व करता है 4700 और 5000 के बीच में। तो यार अगर स्पीकर की हम फीचर्स की बात करें तो आपको सबसे पहले तो देखने को मिल जाता है ये वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर है, 1 मीटर आप 30 मिनट तक इसे रख सकते हो, अब कोई रखेगा नहीं लेकिन 30 मिनट तक इसे रख सकते हो, ऐसा इस कंपनी ने क्लेम किया है LG ने। तो साथ में आपको देखने को मिलेगा 12 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्लेम कर रखा है, और ये JBL Flip 3 से ज़्यादा है अगर हम इसे कंपेयर करा जाए। तो यार अभी तक ये स्पीकर मैंने टेस्ट नहीं करा है तो मैं इसके बारे में कह नहीं सकता कि कितना एक्यूरेट होगा ये 100 वॉल्यूम पे 12 आवर्स देगा या नहीं देगा। तो यार अगर आप मिनिमम भी लेके चलो तो 10 आवर्स आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और JBL Flip 3 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यार यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट हम इसे देंगे, और साथ में आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट असिस्टेंट का सपोर्ट। तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो सीरी, एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ, इन सब के साथ भी ये चल जाएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया है। साथ में आपको ऑन द टॉप इसमें देखने को मिलेगा एक स्मार्ट बटन जो कि है एनहांस्ड बास का, तो मोस्टली इसे ऑन ही रखते हैं लोग, क्योंकि सिर्फ जब आप उस बटन को ऑन करेंगे तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती हैं और काफ़ी बढ़िया साउंड आपको देखने को मिल जाती है। साथ में आपको मिलेगी सारी की सारी प्लास्टिक बॉडी, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और साथ में मेटल ग्रिल और वाटरप्रूफ है, तो आपको पीछे दो पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक तो ऑडियो जैक पोर्ट और नॉर्मल USB पोर्ट जो कि कवर्ड होगा एक रबराइज मटेरियल से, तो ताकि वाटर एंटर ना कर पाए। तो यार LG PK3 के लिए बस इतना ही, काफ़ी बढ़िया स्पीकर रहने वाला है, और मेरे फेवरेट स्पीकर JBL Flip 3 को भी काफ़ी बढ़िया कंपटीशन दे रहा है। तो यार जिसका बजट 4900 या फिर इतना है तो यार वो ये स्पीकर परचेस कर सकता है, 4700 तक जिसका बजट है वो स्पीकर परचेस कर सकता है, काफ़ी बढ़िया स्पीकर है। तो LG PK3 के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट स्पीकर की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्पीकर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो मेरा पर्सनली फेवरेट स्पीकर है, तो यार वो है JBL Flip 3। अब अगर इसकी यार JBL तो एक मतलब डेडिकेटेड स्पीकर ब्रांड है और काफ़ी बढ़िया स्पीकर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यार अगर हम JBL की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग जो देखने को मिलेगी वो मोस्टली 5000 तक ही रेंज करती है, और अगर डिस्काउंट हो भी जाए तो यार 4700-4800 तक ही जाती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, और इसकी क्वालिटी के हिसाब से यार मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया साउंड, रिच और प्रीमियम साउंड, यार बाकी स्पीकर से ज़्यादा बढ़िया साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा JBL में। और साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वाटरप्रूफ स्पीकर, तो यार ये प्रॉपरली वाटरप्रूफ है, अगर इस पर आपसे पानी गिर भी जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीकर पर, काफ़ी बढ़िया स्पीकर है ये। साथ में आपको देखने को मिलेगी 3000 mAh की सबसे बड़ी बैटरी इन सारे स्पीकर्स में, तो यार बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चार्ज करो, चार्ज होने में थोड़ा टाइम लेता है ये स्पीकर, कम से कम 1.5 आवर्स तक ले लेगा, लेकिन ये चार्ज होने के बाद आपका काफ़ी टाइम निकाल देगा, क्योंकि यार इसमें 9 आवर्स का रेगुलर म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे रखा है। अब मेरे को ये पता नहीं कितना सच है, लेकिन यार 8 आवर्स तक तो आप मिनिमम लगा सकते हो कि आराम से 100 वॉल्यूम पे ये स्पीकर चल जाएगा, और अगर 100 वॉल्यूम पे 8 आवर्स चल रहा है तो इसका मतलब यार अगर आप 70% वॉल्यूम पे इसे चलाते हो तो ये आराम से 16-17 आवर्स निकाल देगा।
तो यार JBL Flip 3 तो सबको पता है कि JBL कितनी बढ़िया कंपनी है स्पीकर्स में, काफ़ी बढ़िया स्पीकर्स बनाती है। तो यार मेरे ख्याल से अगर आपका बजट 5000 तक है तो मैं इस स्पीकर को सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, आप ये ले सकते हैं। तो यार इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। सारे स्पीकर्स मैंने आपको बता दिए, सारी स्पेसिफिकेशन, सारे फीचर्स बता दिए इन सब स्पीकर्स के। तो यार इसी के साथ बस सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बस चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू। मनीष कोहली हियर साइनिंग आउट।